कैसे हो आप लोग सभी। फिर से एक बार स्वागत करते हैं मेरे ब्लॉग में, निरंजन टेकन ब्लॉग में। तो पिछले काफ़ी टाइम से मेरे चैनल इतना पैसा चल रहा है ऑफिस में, तो इसीलिए आज कोई अच्छी से एक ब्लॉग डालते हैं आज। कहीं कि मैं आज कल बुआ जी के घर आया था डायरेक्ट ऑफिस से, तो पीछे आप देख सकते हैं जो बारिश हो रहा है, बहुत ही तेज बारिश हो रहा है। कहीं कि वेस्ट बंगाल में अभी बारिश का सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो इसीलिए बारिश बहुत जोर से हो रहा है। और एक बात, कभी कभी लोग और कोई कोई बोलेगा कि आज का ब्लॉग आप हिंदी में क्यों शूट कर रहे हैं, कहीं कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ हिंदी में। कोई एक दो तीन ब्लॉग अगर हिंदी में आ जाए तो उसमें कोई बुरा का। जो बारिश कितना जोर से पड़ रहा है आप सबको दिखा देते हैं एक बार। जैसे कि देख सकते हैं इस सीधा एकदम तेज से निकल के आ रहा है नीचे, और इधर मेरा बाइक जो खड़ा है, इधर बारिश इतना हो रहा है बाइक को, और बाइक वॉश भी हो रहा है अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा बारिश का मौसम, उधर दूर तक पूरा कोई कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं हम। इधर पूरा खेत है पूरा साइड में, और पूरा इधर बारिश के मौसम का एक सबसे बड़ा खासियत है कि आप जहाँ पर मतलब जिधर भी देखिएगा पूरा ग्रीनिश फीलिंग्स आएगा चारों तरफ। पता नहीं कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है इस वेदर को। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीजन बोल सकते हैं मेरे लिए, क्योंकि इस सीजन में मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। और बारिश में स्पेशली पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है, लेकिन मेरे को स्पेशली सोने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बारिश के साउंड से ना नींद अच्छी आती है मेरी। शायद किसी को आता है, जो जो जिसको इसको आता है बारिश का मौसम, जिसको इसको अच्छा लगता है प्लीज़ कॉमेंट ऑन करके बोल सकते हैं। सिनेमेटिक शॉट अभी जो देखा, इसको लेने के लिए मेरा पैन भी भीग गया, क्योंकि इधर से जो बारिश आ रहा है बारिश की वजह से मेरा पैन भी भीग गया। कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, इतना दिनों बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है तो इतना तो सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से। आप लोग हैं तो मैं हूँ, आप लोग नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। तो अभी का सीन क्या हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले तक इलेक्ट्रिसिटी चालू था, और अभी आके देखा मैंने जब ब्लॉग बाहर शूट कर रहा था कि आके देखा कि लाइट चला गया है रूम से। कोई बात नहीं, खिड़की से झांक के कर ले। हाय तो कर दिया ए भाई, एटीट्यूड ले वेरी गली है। जुगाड़ देख लेते हैं, उसके फोन चार्ज हो रहा है। अगर ये फोन गिर जाते हैं तो फोन चूट जाएगा, लेकिन इधर क्या हुआ, इधर एक तकिया दे के रखा है, मतलब बालिश दे के रखा है, इसमें गिरेगा तो कोई कुछ नहीं होगा, टूटेगा नहीं। मेरा जो छोटा भाई है वो छोटा बड़ा इंजीनियर भी है, तो उसका एक हरकत मैं और एक दिखाना चाहता हूँ हम लोगों को। आप लोग जरूर हंसोगे इसको देख के, देख लो पहले। अभी देख सकते हैं इस घर में अगर एसी लगा हुआ है 2 टन का एसी, तो इसको अगर इसका हवा को, इसका फ्लावर एयर फ्लो को अगर उस रूम में, मतलब इधर इस रूम में अगर लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो इसको उधर शिफ्टिंग करना पड़ेगा। नहीं, मेरा बड़ा भाई रहता है इधर इस रूम में और छोटा भाई रहता है दूसरे रूम में, तो भाई छोटा भाई ने क्या किया, डीएल को काट दिया, ठीक है। उसके बाद इस जो एग्जॉस्ट फैन रहता है जो किचन में यूज होता है उसको इधर लगा दिया, क्या कहे कि इसका जो एयर फ्लो होगा, इसका एयर फ्लो इधर से निकल के उस रूम में जाए चला जाएगा। क्या आइडिया है भाई, मस्त आइडिया है ना। तो इसीलिए इसको लाइक करो भाई ले, और मेरा छोटा भाई से मिलना है आप लोगों को, मैं भी मिलना होगा आप लोगों को। और मेरे को अगर इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो, लिंक इंटर डिस्क्रिप्शन में भी होगा और आपका डिस्प्ले में आ रहा होगा शायद, तो प्लीज गाइस फॉलो कर लो। मैं अभी नहा धोवा के पूरा रेडी हो चुका हूँ, तेल भी लगाया है मैंने, और बारिश अभी थोड़ी वक्त के लिए कम हो चुका है, तो इसीलिए आपको बारिश का साउंड भी शायद नहीं मिल पा रहा है। फिर चलो मेरे छोटा भाई को एक बार दिखा देते हैं आपको एक बार। ओके गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इधर एक टीवी लगा हुआ है, और इधर पीछे का सीनारियो कैसा है। तो इधर जो लेटा है वो मेरा बुआ जी का हस्बैंड है, तो बंद किया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट ले रहा है इधर, सो गया शायद, तो उठने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं बारिश अभी इधर थम चुका है,
मैं अभी तरिश में खड़ा हूँ, देख सकते हैं मैं ऊपर में है, दो तला के ऊपर खड़ा हुआ, और पीछे का जो सीनरी है गाइस मस्त सीनरी है, आप लोग को देख के शायद पता चल रहा है, पूरा ग्रीनिश वेदर ग्रीनिश है, पूरा जो खेत इधर है, खेत अभी मतलब कुछ देर पहले मैं जब आपको लगाया था बारिश की वजह से देख नहीं पा रहा था, पूरा इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, लेकिन अभी क्या है बारिश थम चुका है और आसमान में भी शायद मेघ अभी भी बादल है कई कई जगह पे, हाँ तो फिर से बारिश हो सकता है क्योंकि अभी का सीज़न है जो है मस्त सीज़न है, हर वक्त बारिश हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है आसमान का। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा टायर पंचर हो चुका है अभी, और इधर देख सकते हैं फिर एक अंदर घुसा हुआ है, तो इसको मैं हमको लेके जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर दूर उसको रिपेयर करने के लिए, तो अच्छा उसको निकालते हैं, देखते हैं कितना बड़ा ब्रेक है। और वैसे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं बाइक का अपना नज़र लगा चुका हूँ सीट के नीचे ठीक करवाने के लिए, देखते हैं कितना देर में ठीक होता है, मैं कब पिछले आधा घंटा से इधर खड़ा हुआ हूँ।